Your Honor, I must say that I envy the passion with which my young colleague speaks. But however, I do not envy the utter ignorance with which he speaks. कोर्ट में इमोशनल बयानबाजी की कोई जगह नहीं होती. लॉयर शुड स्टिक टू द फैक्ट्स. लेट मी प्रेजेंट बिफोर यू द फैक्ट्स. जब भी किसी दो कंट्रीज में कंपैरिजन होता है किसी भी क्राइम का, तो हम उसे नंबर्स में नहीं देखते. यू लुक एट परसेंटेजेस कि 100 में कितने हुए या 1,00,000 में कितने हुए. बिकॉज किसी कंट्री का पॉपुलेशन 300 मिलियन हो सकता है, किसी कंट्री का पॉपुलेशन 1,300 मिलियन हो सकता है. 25,000 रेप इन अ 1,300 मिलियन कंट्री एंड 25,000 रेप इन अ 300 मिलियन कंट्री इज डिफरेंट. 300 मिलियन वाले कंट्री में दिस इज मच मोर सीरियस देन हियर. देयरफॉर द वर्ल्ड हैज डिफाइंड अ टर्म नेम्ड रेप रेट, विच मीन्स कि 1,00,000 औरतों में कितने औरतों को रेप का सामना करना पड़ सकता है. रेप रेट इन इंडिया इज 1.8, यानी कि 1,00,000 इंडियन औरतों में से 1.8 औरतों को कभी ना कभी अपनी पूरी लाइफ में रेप का सामना करना पड़ सकता है. इन द मोस्ट एडवांस्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड द रेप रेट इज 27.3, विच इज 15 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इंडिया. इन ग्लोबल रेप इंडेक्स इंडिया इज रैंक्ड एट 94. दैट मीन्स 93 कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसे हैं जहां पे रेप की हालत इंडिया से बदतर है. नाउ लेट्स कम टू द कन्विक्शन रेट. द कन्विक्शन रेट, यस, इट इज 25%, एज मिस्टर गांधी सेड, एंड बेस्ड ऑन दैट ही सेड दैट इंडिया इज द रेप नेशन ऑफ द वर्ल्ड. तो लेट मी टेल यू, द कंट्री दैट रूल्ड अस फॉर 200 लॉन्ग ईयर्स, उन्होंने हमें ये खिताब दिया द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का. उन्होंने हमारे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें द अंडर करेंट वॉज कि एवरी इंडियन मेल इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट. वो तो बस कन्विक्ट नहीं होते इसीलिए पता नहीं चलता. बट यू नो द कन्विक्शन रेट ऑफ दैट कंट्री, इट इज 7%. सो मिस्टर गांधी वुड लाइक टू से दैट 93% वॉक फ्री इन दैट कंट्री. सो मिस्टर गांधी, आप इस ऑनरेबल कोर्ट में खड़े होकर मुझे ये मत बताइए कि हमारा देश रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, बिकॉज as a proud Indian and an informed citizen, मुझे बड़ी तकलीफ होती है. Your Honor, the opening statement cannot be turned into an argument. I see the court's problem, Your Honor. शायद मैं थोड़ा emotional हो गया. Let me stick to the main concern of Mr. Gandhi. His main concern is that 25% conviction rate है, which is very low as per him. Now I say that court का ज़्यादा बड़ा concern ये क्यों नहीं होना चाहिए कि after a full judicial process, 75% of the accused are found innocent. Why is that not the concern? और 75% जो innocent पाए जाते हैं उसमें से अगर 75% नहीं भी तो भी एक major significant proportion जो है वो fake rape charges वाले होंगे. Now if Mr. Gandhi thinks that the judicial process is not trustworthy or not capable, or if a woman accuses a man of rape, that man must be convicted. Why? Because a woman cannot lie in case of rape. Then I pity his ignorance. He should do well if he does a thorough research across the globe of all the fake rape cases. Hazaron auraton ne worldwide fake rape charges lagaye hain and have been proven ki fake tha wo. और उस रिसर्च से उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि औरतें क्यों झूठ बोलती हैं ऐसे सीरियस केसेस में. योर ऑनर, ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें एक सिविलाइज्ड बंदा, लॉ अबाइडिंग सिटीजन डूइंग अ जॉब, उसकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड से एक बार घमासान झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड को गुस्सा आया, उसने रिवेंज लेने के लिए पुलिस में जाके रेप चार्ज लगा दिया, बंदे को जेल. जब तक केस चला, 6 साल केस चला, वो जेल में रहा, उसके बाद जाके प्रूव हुआ कि नहीं नहीं ये इनोसेंट था. 6 साल बाद हुआ है, मिस्टर गांधी सेज दे वॉक फ्री. डू यू थिंक योर ऑनर कि एनी मैन ऑफ एवर बीइंग अक्यूज्ड ऑफ रेप कैन वॉक फ्री इन द सोसाइटी? नो, द सोसाइटी विल नेवर लेट हिम वॉक फ्री. ही विल लिव इन गिल्ट ऑल हिज लाइफ. बल्कि गिल्टी जो है वो अक्यूजर थी जिसने फेक रेप चार्ज लगाया. जैसे पहले
औरतों के दामन पे दाग लग जाता था, चरित्र पे दाग लग जाता था, तो दे यूज्ड टू लिव इन डिप्रेशन, इन हेल. वही आजकल बहुत सारे मर्दों के साथ होता है. योर ऑनर, माई स्टेटमेंट शुड नॉट बी थॉट ऑफ एज इफ आई एम सपोर्टिंग रेपिस्ट. नो, जो रेपिस्ट हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिनके ऊपर फेक चार्जेस लगते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. दे शुड नॉट बी लिविंग इन हेल. एंड आई एम हियर टू प्रूव दैट मिस्टर रोहन रवि खुराना के ऊपर फेक रेप चार्ज लगा है. योर ऑनर, द डिफेंस काउंसिल विल प्रूव विदाउट अ स्पेक ऑफ डाउट दैट द जजमेंट पास्ड बाय द ऑनरेबल सेशंस कोर्ट मस्ट बी चैलेंज्ड बिकॉज द फैक्ट्स ऑफ द केस वॉज नॉट प्रॉपरली एग्जामिन्ड. और विटनेसेस को बहुत अच्छे से क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किया गया था. फर्दर मोर, द चेन ऑफ एविडेंस वॉज कॉम्प्रोमाइज. द एक्ट ऑफ रेप ऑन द पर्सन नेम अंजलि दांगले वॉज नेवर एवर कमिटेड. द केस ऑफ रोहन रवि खुराना वर्सेज द स्टेट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ वुमेन using as a weapon the very law that was made to protect her. Thank you, Your Honor.